एक लाख है क्या करने के लिए कोशिश करते हो कि देखो यहाँ पर तो जैसे घर में हम रहते हैं वहाँ 8 घंटा 8 घंटा काम करना पड़ता है, घर का जितने माता है उनको रसोई बनना पड़ता है, घर साफ कपड़ा साफ सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पर तो कोई काम नहीं, नहीं। तो कोई तो यहाँ पर काम नहीं ना, फिर समय को कहाँ लगा, भजन में लगा, भगवान की नाम में लगा, है जितना हो सके ठाकुर जी नाम में हमें समय को लगानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसी महीना में कोशिश करो। अब देखना 1 लाख अगर आप हरि नाम करोगे ना, मन को अंदर में ऐसे छाप पड़ेगा, जब कठिन में 6-7 घंटा नाम करोगे तभी 1 लाख नाम पूरी होगा। अब अगर इन हरि नाम करते करते अगर दिन में 1 लाख नाम करोगे ना, आप देखना सोते समय में भी आपको कृष्ण स्मरण आएगा। अब देखना जो चीज स्वप्न, क्या चीज को स्वप्न देखते हैं, दिन भर हम जिस चीज को चिंतन करते हैं, जिस चीज को दिन भर उसमें डूबते हैं, रात को वही चीज स्मरण आता है, वही स्वप्न आता है, हैं? इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते ना 26 घंटा भजन करते थे, कभी एक आध फिर कभी सो भी गया, 1 घंटा कभी सो गए कभी, उसमें भी राधा कृष्ण का स्वप्न उसमें भी देखते थे। बोले क्यों, जो चिंतन करो तो वही चिंतन, वही चीज आपकी स्वप्न में आएगा, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु बोले जो व्यक्ति 1 लाख हरिनाम नहीं करेगा उसका हाथ का खाना में नहीं ग्रहण करता, उसका हाथ का खाना में ग्रहण नहीं करता, ठीक है। कोशिश करना कम से कम 5 दिन 1-1 लाख, आज एकादशी है, एकादशी का दिन थोड़ी सी भक्ति करो ज्यादा फल मिलता है एकादशी का दिन। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरम्भ ला प्रभु जगत प्रभा। इसलिए महाप्रभु एकादशी का दिन रात भर जागते थे, भक्तों को लेकर के रात भर महाप्रभु कीर्तन करते थे। इसलिए कलयुग में सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, बिना खाए पिए टांग ऊंचा करके सर नीचा करके चारों तरफ में आग जला करके, वाल्मीकि ने इतने तपस्या की सारा शरीर में दिमक चाट गया, दिमक चाट गया सारा शरीर को, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि नाम पड़ा है। इसलिए हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे, हिरण्यकश्यप ऐसे 60,000 साल बिना खाए पिए एक पैर में खड़े होकर कैसे कठोर तपस्या की। इसलिए त्रेता युग में यज्ञ रोज करते थे, रोज यज्ञ करते थे। द्वापर युग में ठाकुर का अर्चन पूजा पाठ पद्धति करते थे। जैसे कलयुग में तपस्या क्या है, कलयुग में तपस्या एकादशी, यही कलयुग में तपस्या ही एकादशी को तपस्या बताए, ठीक है ना। इसलिए पहले पहले और बहुत पहले पुराण में एकादशी का दिन कोई कुछ नहीं खाते थे, पूरा निर्जला रहते थे, पूरा निर्जला रहते। लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये एकादशी में अगर निर्जला रहेंगे फिर तो थोड़ी बहुत जो भक्ति करते ना दिन भर सोते रहेंगे। एक दिन कोई व्रत रहते बोले ये काम कर दो, बोले हमने व्रत रखा है, आज हमने व्रत रखा, मतलब कलयुग में पेट में जब तक अन्न नहीं जाएगा ये शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए प्रभुपाद आकर बोले भैया कोई बात नहीं, एकादशी का दिन प्रसाद पाओ लेकिन थोड़ा ज्यादा भजन कर लो, थोड़ा ज्यादा कीर्तन कर लो, हरिकथा सुन लो, थोड़ा हरि नाम ज्यादा कर लो, है महाप्रभु बड़े दयालु, प्रभुपाद उससे और ज्यादा दयालु है, और ज्यादा दयालु है। बोले ज्यादा थोड़ी सी कलयुग में थोड़ी सी ज्यादा बैठ करके हरि नाम करो, यही कलयुग में साधन है, कलयुग में ये सबसे बड़ा साधन है हरि नाम करना, ठीक है। अभी ये भीष्म पंचक में जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा, पहले उनका नाम देवव्रत था, लेकिन जब उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की आजीवन में ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, हैं आजीवन में ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा, तो भीषण उन्होंने तपस्या की है इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा नाम। इसलिए कम से कम अभी 5 दिन अच्छे तरह से भीष्म का प्रतिज्ञा जैसे 5 दिन इधर उधर समय को नहीं गमा करके, उल्टा पुल्टा भजन की बात में समय को नहीं बिता करके, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
प्रसिद्ध नगर ही प्रसिद्ध श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी को श्री वसुदेव महाराज प्रश्न किया जब वो यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे इस यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ लेकिन यज्ञों का बीच में जब श्री नारद जी आए तो वसुदेव महाराज बोले आज यज्ञ की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में प्रकट हो गए श्री नारद जी रूप में स्वयं यज्ञ का फल ही श्री नारद जी के रूप में आ गए हम जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ कर रहे थे यज्ञ का उद्देश्य था विश्व शांति महायज्ञ क्या नाम था विश्व शांति महायज्ञ विश्व में शांति के हिसाब देखना हम जीवन में जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं शांति के लिए हर चीज देखना शांति के लिए करते हैं सुख के लिए हम हर काम शांति सुख के लिए करते हैं लेकिन इस जगत में शांति सुख के लिए तो हम सारे काम करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलकर तो अशांति मिलता है अशांति नहीं मिल करके अशांति जीवन में अशांति दुख कष्ट मिलता है हैं? जैसे मकड़ा जैसे जाल बनाता है ना वो जाल बनाते 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 वो ऐसे जाल को अंदर में फंस जाता है अंतिम समय में उसमें ही प्राण को उसमें त्याग दे देते हैं हम सोचते हैं शादी करने पर शांति मिलेगा नौकरी करने पर शांति मिलेगा बच्चे जन्म देने पर शांति मिलेगा लास्ट में बच्चे ही बात नहीं सुन सकते बच्चे उल्टा करते एक बोले दूसरे कहते और बच्चे ही कभी कभी सारे पिताजी के सारे संपत्ति में लूट मार कर लेते इसलिए लास्ट में हम फंस जाते इसलिए सब काम का मूल उद्देश्य है जीवन में शांति सुख कैसे जीवन में मिलेगा लेकिन अगर हमारी अथाह संपत्ति हमारे पास में लेकिन अगर शांति नहीं वो संपत्ति का कोई महत्व नहीं कोई महत्व नहीं दुनियादारी सब कुछ हमारे पास है लेकिन उसमें शांति नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना तो वो बहुत अच्छी चीज है दो सूखे रोटी में अगर जीवन में शांति मिले जगत में सबसे अनमोल वस्तु है शांति जीवन में अनमोल वस्तु है शांति दुनिया भले सब कुछ शांति नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं मूल है शांति इसलिए इनका प्रश्न था जीवन में शांति कैसे जीवन में सुख कैसे मिले इसलिए हम पहले सुन रहे थे उनका उत्तर उन्होंने दिया कि अशांति का कारण क्या है संसार में फिर दुख कष्ट क्यों आते हैं कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई परिवार से दुखी कोई बेटा से दुखी कोई बहू से दुखी कोई पति से दुखी कोई धन से दुखी कोई मन से दुखी कोई पड़ोस से दुखी कभी दुख का कारण क्या है मतलब केवल दुख का एक ही कारण है चूंकि हमने भगवान को भूल गए इसलिए उनका बहिरंगा शक्ति बोले तुम मेरे सेवा नहीं करोगे मेरे भक्ति नहीं करोगे जा माया में जाओगे ना माया में भोग करके मैं जाओ जा करके देख लो संसार इसलिए उनको माया ने किया दिया दो कपड़ा पहनाया आत्मा को घर में एक आवरण और विखे बात में मतलब एक मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर जो हम शरीर को देख रहे उन्होंने दो कपड़ा पहना दिया उसको ऊपर में और बड़ी जोर से फेंके तो हम इसी संसार में आकर के तरह तरह का दुख कष्ट को हम उठा रहे हैं बोले भैया फिर निकलेंगे कैसे यहाँ से बोले इसके निकलने का एक उपाय है हमें सतगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान की भक्ति करना पड़ेगा अभी हम भगवान की भक्ति करना पड़ेगा इसलिए हम पहले सुन रहे थे भक्ति करेंगे कैसे सतगुरु चरण आश्रय क्या भक्ति करेंगे कैसे हम सुन रहे थे ये भक्ति कोई बहुत बड़ी कठिन चीज नहीं है भक्ति सबसे सरल मार्ग है भगवान कहते हैं ज्ञान कर्म योग ये बड़ा कठिन मार्ग है लेकिन भक्ति सबसे सरल उपाय भक्ति इससे सरल उपाय कुछ नहीं कोई
इससे सरल उपाय जगत में कुछ नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वही करो, कोई अलग कुछ करने का जरूरत नहीं। जो कुछ कर रहे हैं वही करो, लेकिन केवल भाव को केवल बदला, इतना ही, केवल अपना भाव को बदलाओ। उदाहरण दिया, कोई एक व्यक्ति बहुत घी पीना उसको बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत घी पीता था, लेकिन अभी वो घी पीते 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 उसका पेट में बस अजीर्ण होने लग गया, उसका पेट में हजम नहीं हो, डाइजेशन नहीं हो रहा है, और घी पे तो पेट पतला हो रहा है। और डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे को घी बहुत अच्छा लगता है, घी बगैर रह ही नहीं सकता, लेकिन ये घी पीते 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 पेट में हजम शक्ति खत्म, अभी हजम नहीं होता है, घी पीने से भी पेट पतला हो रहा है, मेरे कोई दवा दो, लेकिन घी नहीं छोड़ सकता, ये घी नहीं छोड़ सकता, हम घी तो नहीं खाऊंगा, घी के बगैर मेरे रहा नहीं जाता है। तो डॉक्टर ने कहा, देख बेटा घी छोड़ने का जरूरत नहीं, मैं पहले जैसे डायरेक्ट तो घी पी लेता था ना, अभी पीना नहीं, मैं एक गुड़िया तुमको दे रहा हूँ, ये घी पहले जैसे पीता था पीते पीना नहीं, उसको अभी तुम चाट चाट में खाना। और जो गुड़िया था आयुर्वेदिक गुड़िया थी, जिसमें खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, जिसके अंदर में इसको डाल दो, उसको डाल करके मिला दो, और उसको चाट चाट कर खाओगे ना, खट्टा मीठा नमकीन है, फिर जीवा से लाल निकलेगा, जब वो लाल निकलेगा, पहले जो डायरेक्ट पीता था वो बदन में होता था, अभी तुम चाट चाट कर उसको खाओगे, फिर खट्टा मीठा लगेगा तो उसे लाल निकलेगा, तो जो पेट में अपच करता था वो भी उल्टा पचने का काम शुरू कर देगा, अभी वो इतने पचने का भी काम करना शुरू कर देगा, बस हेल्थ बढ़िया हो गया। तो श्री नारद जी को उदाहरण देते हैं, ये घी क्या है, बोलिए कर्म, घी कर्म, हम इसी जीवन में जो कर्म करते हैं उसको भोगने के लिए फिर दूसरे जीवन में जाना पड़ता है, दूसरे जीवन में जो कर्म करते हैं फिर उसको भोगने के लिए तीसरे जीवन में जा रहे हैं, तीसरे जीवन में जो कर्म कर रहे हैं भोगने के लिए चौथे जीवन में जा रहे हैं। हम ऐसे ही ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जमीन कर्म चक्र में भटक रहे हैं, कर्म की चक्र में हम सब भटक रहे हैं, कर्म चक्र में है, कोई बोलता है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, अभी कर्म का डेफिनेशन हमें पता रहनी चाहिए, नहीं तो ये कर्म चक्र में हम भटकते रहेंगे, इस संसार में आएंगे, पूर्व जन्म में जो कर्म किया भोगने के लिए आए, पर इसी जीवन में जाएंगे कहाँ, बोले इसी जीवन में जाएंगे, इसी जीवन में जो कर्म कर रहे हैं भोगने के लिए जाओ, ऐसे ही हम भटक रहे हैं, मतलब पेट में अपच हो रहा है। बोले बद्य को पास में गया, बोले ये बद्य कौन है, बोले सदगुरु, बद्य कौन है, ये सदगुरु, इसको पास में गया। डॉक्टर ने कहा, देखो पहले घी पियो कोई बात नहीं, घी खाओ, लेकिन पहले जिसे डायरेक्ट तुम खा लेता था, अभी डायरेक्ट नहीं, उसमें एक पुड़िया मिला दो, उसमें एक पुड़िया देता हूँ, ये पुड़िया तो तुम मिला दो है, फिर तो घी चाट चाट कर खाओ, फिर तो उल्टा काम करेगा, अपच नहीं फिर पचने का काम, बोले मतलब किया, बोले मतलब है कर्म करो, लेकिन जो तुम कर्म कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, हम किसी के संसार में कर्म कर रहे हैं, मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे बेटे खाएंगे, मेरे लिए दुकान मकान मेरे लिए बनाऊंगा, मैं मेरा देखा यही माया है, लेकिन जीव जब सदगुरु के शरण में जाता है, बोले नहीं ये मैं मेरी तेरा छोड़ो, बकरी मैं करता है इसलिए मरता है, इसलिए ये मैं चीज को छोड़ो, छोड़ कर क्या करो, कहते मैं कौन हूँ, मैं जीवन स्वरूप है कृष्ण मित्रता, मैं कौन हूँ, भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, तो जो मेरा जो वस्तु है ये संसार की वस्तु किसका, भगवान का, अभी जो मैं मेरा तेरी तेरा, इसको अभी ठाकुर को साथ में जोड़ दो, ठाकुर को साथ में हर चीज को अभी जोड़ दो, ठीक है, फिर सब कुछ काम को पैसा कमाओ, पैसा कम करो कुछ होगा नहीं, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो, ठाकुर को सेवा के लिए, लक्ष्मी ठाकुर जी की उसकी सेवा के लिए कमा रहे हो, रसोई बढ़िया बढ़िया बना, बोले क्यों बना रहे हो, भगवान को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, घर को अच्छे तरह से बनाओ, बोले घर किसके, घर ठाकुर जी का, ठाकुर ने दिया, बच्चों को पालो, बच्चे किसके है, ठाकुर जी के बच्चे, भगवान के बच्चे है, इसलिए कहते भक्तों का उनका टाटी पेशाब करना भी ये भी भक्ति है, उनका टाटी पेशाब करना ब्रश करना भी ये भक्ति, बोले क्यों, बोले मुंह अगर गंदा रहेगा तो ठाकुर सेवा कैसे करेंगे,
ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, घर शरीर को अगर साफ सुथरा नहीं करेंगे फिर शरीर से बदबू आएगा, फिर ठाकुर का हम सेवा कैसे करेंगे। बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे बोले क्यों, बोले गंदे कपड़े पहनेंगे ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं किसी चीज को माया मत समझो, जो दूसरे दूसरे माया इसको छोड़ो ये माया है माया, बोले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते तभी ये चीज माया है जब तक तुम ठाकुर का नहीं समझते तब तक ये माया है, लेकिन जब तुम ठाकुर जी का समझ लग जाते हो फिर वो माया नहीं। ब्रह्मा जी जैसे तापस गृह क्रिया तब तक ये संसार बंधन का कारण है जब तक तुम इसको मैं मेरा करते हो, लेकिन जब ये सब चीज ठाकुर जी के लिए करने लग जाते हो फिर ये माया नहीं, फिर ये कोई चीज माया नहीं। इसलिए कितना काम छोड़ो, लेकिन तुम ठाकुर कहते क्यों काम किसने दिया, ठाकुर ने दिया है ना, ये काम किसने दिया है, ठाकुर दिया है। गुरु भगवान के जोड़ो उदाहरण दिया, गोपियों के अंदर में काम थी तब तो कृष्ण को प्राप्त किया ना, इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पण, काम को कहाँ लगाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। ठाकुर जी की गोपियों ने कृष्ण को अपना पति रूप में प्रार्थना की, कात्यायनी की पूजा में, कात्यायनी महामाये महायोगिनी नर्तकीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृता, कात्यायनी की पूजा की, बोले हे कात्यायनी हे महामाये हे महायोगी कृपा करके हमें नंद के लाला कृष्ण को हमारी पति बना दो, हमारी हमारी पति काम से कृष्ण मिल गया। अगर काम नहीं होता तो जैसे आपका अगर काम नहीं होता कामना वासना नहीं होती फिर ऑस्ट्रेलिया से आते, फिर अमेरिका से आती, फिर रशिया से आते, ये दिल्ली से आते, ब्रिजबेन से आते, आप लोग आते। काम है काम करो, हृदय में काम जागे हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, एक महीना सब साधु संघ में रहेंगे, हरि कथा सुनेंगे, लीला स्थलीय में जाएंगे। काम था तभी तो काम को क्या किया उल्टा हमने लगा दिया, ये काम को कृष्ण सेवा में भक्ति में लगा दिया, फिर कृष्ण प्राप्ति का कारण हो गया। इसलिए कोई चीज को छोड़ना नहीं, क्यों, क्योंकि हर वस्तु प्रभुपाद ने यही चीज सिखाया है, हैं? यही चीज प्रभुपाद ने सिखाया। जिस समय प्रभुपाद एग्जीबिशन करते थे, एक समय एग्जीबिशन में किया कैसे हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को आग में फेंक दिया, बोले भगवान के भजन को तू छोड़, भगवान की भक्ति को छोड़, बोले मैं प्रभु का भक्ति नहीं छोड़ सकता, बोले तेरे को दिखाता हूँ, आग को अंदर में फेंक दिया। और प्रभुपाद एग्जीबिशन दिखाया इलेक्ट्रिक का आग झकक रही है, आग जल रहा है और उसको बीच में प्रह्लाद महाराज बैठा हुआ और बैठे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी कुछ लोग देखने के लिए आए और वो बागवत जरा गौरी मठ ना उसके ऊपर इतना बड़ा बल देता था, इतने कितने दूर तक उसका लाइट जलता था, बहुत बड़ा लाइट जलता था। कुछ लोगों ने प्रभुपाद को कहा बोले क्या कर रहे हो, अगर ये जो तुम ये सब काम कर रहे हो मंदिर के ऊपर लाइट जला दिया और तुम ये एग्जीबिशन में इतना इलेक्ट्रिसिटी को तुम खत्म कर रहे हो बर्बाद कर रहे हो, इसको बर्बाद अगर इस काम अगर ये चीज अगर दूसरों की सेवा में लगता तो कल्याण होता। प्रभुपाद ने कहा देखो ये दुनिया को ठाकुर ने सृष्टि किया, ये जो बिजली है ये साइंटिस्ट को दिमाग में ठाकुर ने, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि जो गमता, बुद्धि देने वाला मैं, इनको दिमाग में बुद्धि देने वाला ठाकुर है ना, तभी तो उन्होंने जितने साइंटिस्ट लोग जितना साइंस की चीज निकाली। कहते जब ये सारी चीज ऐसे ही जब कृष्ण सेवा में ये चीज को लगाओगे तभी ये दुनिया में कल्याण होने वाले, हर चीज सब कृष्ण का सेवा, सब कुछ दुनिया भगवान ने बनाया, हमारी कोई चीज नहीं। इसलिए ईसावास्यम इदम सर्वम चत्किंचा जगत जगत, कहते हैं विश्व ब्रह्मांड जो कुछ देख रहे हो भगवान की दुनिया है। जब ये सारी चीज ऐसे ही कृष्ण सेवा में लगेगा तभी इसका सार्थक रहता है। प्रभुपाद जब प्रचार करने जाते थे पहले उस समय कार में चढ़ना बहुत कार में बैठना इतना आसानी बात नहीं था, वो धनाढ्य बड़े बड़े धनी लोग कहीं कार में जाते थे। प्रभुपाद जब प्रचार में जाते थे किसी कार में प्रभुपाद जाते थे, किसी ने कहा प्रभुपाद ये जो कार में तो
बड़े बड़े पैसा वाला बैठते हैं, अब साधु होकर के ये कार में बैठ करके जा रहे हो प्रचार करने की। तो उन्होंने कहा भैया तू कार क्या बात कर रहे हो, मेरे पास में इतने हरिकथा मैं सोचता हूँ 10-20 मेरे को एरोप्लेन मिल जाए। प्रभुपाद एरोप्लेन अगर मिल जाए ना, मैं चाहता हूँ ये महाप्रभु का वाणी को संपूर्ण पृथ्वी में प्रचार करना चाहता हूँ। तो ये कार की बात क्या कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे को 8-10 कहीं एरोप्लेन मिल जाए। इसलिए किसी चीज को माया मत समझो, यहाँ पर शिक्षा है हर चीज समझो कृष्ण की सेवा है, भगवान की हर चीज को अगर कृष्ण सेवा में लगा देते हैं तो वो चीज की सार्थकता हो जाता है। इसलिए बोले काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध गद्दी चीज है, क्रोध नहीं करनी चाहिए, गद्दी चीज है। क्रोध की भवत सन्मोह सन्मोहात स्मृति विभ्रम है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, प्रणशक्ति विनाश होता है। लेकिन हनुमान क्रोध दिखाया कि नहीं बताओ, हनुमान क्रोध दिखाएगा पूरा लंका को जला करके राख बना दिया और कितने दैत्यों को मार डाले, कितने दैत्यों को उन्होंने मार डाले। एक व्यक्ति को पूरी मार देना आजीवन कारावास हो जाता है, लेकिन हनुमान को पुरस्कार मिला है। हनुमान जी को प्रभु आपको पुरस्कार मिला है, क्यों? मैंने प्रभु की राम की सेवा के लिए उन्होंने ये सब काम किया है, कृष्ण विरोधी के लिए उन्होंने ये सब काम किया है। इसलिए क्रोध दिखानी चाहिए, कहीं कहीं क्रोध नहीं दिखाना भी गड़बड़ी है, कहीं कहीं क्रोध नहीं दिखाना गड़बड़ी। कहां पर? अगर कोई भक्ति की प्रतिकूल काम कर रहे हैं, कोई गंदा काम कर रहे हैं, अगर तुम वहाँ क्रोध नहीं दिखाओगे बच्चे कोई गंदा काम कर रहे हैं, अगर तुम क्रोध बच्चों को नहीं दिखाओगे फिर बच्चे भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए क्रोध वहीं पर दिखाओ जहाँ पर कहीं भक्ति की प्रतिकूल वस्तु हो रहा है, भक्ति की प्रतिकूल। इसलिए काम क्रोध मतलब लोभ, लोभ भी विनाश का कारण है। बोले लोभ को कहाँ पर लगाओ? बोले साधु संग हरि कथा, साधु संग में हरि कथा है। हाँ, हम वृंदावन जाएंगे, हरि कथा सुनेंगे, वैष्णव सांग दर्शन तीर्थ करेंगे। लोभ था तब तो विदेश से इतना दूर आए हो, अगर लोभ नहीं होता इतना दूर आते ही नहीं है। इतना पैसा करके, इतना कष्ट करके, लोभ की वजह से इतना दूर आए ना। इसलिए बोले लोभ को कहाँ पर लगाते? बोले साधु संग में हरि कथा। बोले मोह, जितने मोह ही बंधन का कारण, भरत ने जड़ भरत महाराज ने मोह एक हिरण का प्रति कर दिया, इसलिए उसका 3 जन्म नष्ट हो गया, 3 जन्म नष्ट हो गया है। लेकिन मोह किस में लगाए? बोले इष्ट गुण गाने। मोह कहाँ पर लगाओ? ठाकुर जी का कीर्तन में, ठाकुर जी के गुण कीर्तन में, ठाकुर जी की भजन में लगाओ। इतने हरिनाम करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवत कथा प्रचार करेंगे, भगवान की सेवा करते, उसी में मोह को लगाओ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तब तक ये दुनिया को माया समझेंगे जब तक ये कृष्ण सेवा से अलग चीज हो, भगवान की भक्ति से भी नहीं हो। लेकिन यही चीज प्रभुपाद कहते हैं जब यही चीज को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये माया नहीं, ये माया नहीं है, है? यही माया नहीं, माया तो भगवान की शक्ति है, मेन माया तो अभयारण्य है, है? माया। इसलिए फिर उसको बाद में क्या करनी चाहिए? बोले श्रीनों ने सुभद्राणी रथांग पानी जन्मानी कर्माणी चाहिए, है? इसलिए क्या करो, भगवान की कथा सुनो, उनका कीर्तन करो, उनका नाम करो। इसलिए भगवान की कथा में श्रवण करनी चाहिए, कथा से ही, कथा सुनते 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 धीरे 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 भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जिनकी कथा आप सुनोगे ना उनका प्रति तुम्हारी प्रेम हो गया। देखना एक लड़की जब किसी लड़का को प्रेम करता है उसका नाम को दीवार में लिखे, हाथ में लिखे, कागज में लिखे, है? क्योंकि वो उस पर प्रेम करता है। क्या उसी तरह हम भगवान को प्रेम करते उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण क्या है? बोले उसकी कथा हमें अच्छी लगेगी, उसकी कथा हमें अच्छी लगेगी। इसलिए बताए कृष्ण कथा में अगर तुम्हारी रुचि नहीं है, है? क्या श्लोक है? सब कुछ बेकार है अगर कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि नहीं। इसलिए कृष्ण कथा में रति नहीं होने पर पंडित सब श्रम कहते तो सब कुछ है, सब कुछ उसको बेकार है। कृष्ण
इसलिए बताए श्री कृष्ण कहते अगर भगवान के प्रति हमारी प्रेम में उसकी कथा सुनने में हमें अच्छी लगती है, प्रभु की कथा सुनने में अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। अब जिसको प्रेम करते हो उसका नाम होना काम खड़ी हो जाती है कि उसको प्रेम करती है। इसलिए श्री रुक्मिणी कृष्ण को पास में पत्र लिखती है, बोले प्रभु आप भी मेरे को नहीं देखते, मैं भी आपको नहीं देखा, लेकिन ये नारद जी हमें बचपन से तुम्हारी कथा को सुनाया करता था और तुम्हारी कथा सुनते 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 तुम हमारा मन में तन मन में तो बैठ गए। अगर आपको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगी तो ये जन्म जन्मांतर तो शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन किसी सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो पुरुष सिंह हो, तो पुरुष सिंह हो, जगत में सब सियार है। अगर सिंह के हिसाब को अगर सियार ले लिया ना, ये सिंह का ही बदनाम है। इसलिए हे कृष्ण तुम्हारी कथा सुनते सुनते तेरे प्रति मेरी प्रेम होगी। जैसे हम लोगों का प्रेम कैसे हुआ, अभी तो कृष्ण दर्शन किए नहीं, लेकिन कृष्ण कथा सुनते 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 वो पूरा हमारे तन मन में कृष्ण ही बैठी गए, कृष्ण ही बैठी गए, कृष्ण ही बैठी गए। इसलिए भगवान की कथा में रोज हमें कथा सुनने हमें चाहिए। इसलिए घर में कुछ नियम बनाओ, घर में क्या नियम बनाओ, जैसे एक महीना आप यहाँ रहेंगे उसके बाद में चले जाएंगे, हैं? इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे, जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में हम उसमें चाबी देते हैं, चाबी देने पर देखना पहले 24 घंटा तक काम करता था, फिर दूसरे दिन क्या करते थे, फिर उसमें चाबी देते थे, फिर वो 24 घंटा काम करते थे। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे मैंने अपना भक्तों को चाबी देने के लिए घड़ी में उसमें चार्ज करने के लिए, जैसे मोबाइल में चार्ज देते हैं एक दो दिन रुकता है फिर खत्म हो जाती है, वो कहते थे मैंने उनको साल में 3 बार बोला था, बोले कब कब, बोले एक कार्तिक महीना, एक महीना। अब देखना एक महीना सब साधु संग करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों के साथ में नाचेंगे गाएंगे, जब यहाँ से जाओ ना पूरा चार्ज हो जाता है, पूरा ये चार्ज होकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे चार्ज, फिर धीरे 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 खत्म होने लग जाती है, जब धीरे धीरे खत्म होने फिर नवद्वीप परिक्रमा शुरू हो जाएगी, फिर वहां पर 10 दिन आ जाएंगे, फिर जब 10 दिन आ जाएंगे भक्तों के साथ में कीर्तन नाम भजन नाचन, फिर चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, फिर जब घर में जाएंगे फिर धीरे धीरे वो चार्ज धीरे 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 निशान में, फिर रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में फिर बुलाते रथ यात्रा में, फिर वहां पर 9-10 दिन तक फिर हरिकथा कीर्तन भक्तों का संग होता है, फिर वहां चार्ज हो जाता है, फिर उसमें चार्ज हो जाता है। इसलिए वो कहते थे साल में इनको मैं 3 बार चार्ज करने के लिए बुलाता हूँ, सब भक्तों को वैष्णव संघ में इसको चार्ज कराने के लिए बुलाता हूँ। इसलिए जब घर में जाएंगे हैं क्या करो, सवेरे उठो, ऐसे नहीं मंदिर में आए तो कितना बजे आरती होती है, जैसे 4:15 बजे 4:30 बजे आरती होती है, हैं? जैसे आरती होती है, आरती में जैसे हम लोग आरती में आते हैं, जैसे हम आरती में आते हैं, अगर एक महीना तक ऐसे अगर हमें अभ्यास होगा तो क्या होगा, ये हमारे स्वभाव में परिणत हो जाता है, स्वभाव में। फिर घर में जाने पर वो कहते थे धीरे 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 तो स्वभाव का हम परिवर्तन कर रहे हैं, फिर सवेरे जाकर ऐसे नहीं मंदिर में आएगा तो 4 बजे 5 बजे उठे, घर में जाए तो 9-10 बजे सोते रहे, बोले नहीं ये यही चीज का अपना स्वभाव में परिवर्तन में लाओ, परिवर्तन में लाओ, ये ला करके सवेरे में भी वहां पर उठो, अपना मंगल आरती करो, तिलक लगाओ, तुलसी परिक्रमा करो, मंदिर परिक्रमा करो, बैठ करके जय ध्वनि दो, थोड़ी सी मेरे ठाकुर का कीर्तन करो, कीर्तन करो, और रोज कोशिश करना कुछ हरि कथा सुनने की, जो हरि कथा है ना यही चार्ज होता है, यही चीज चार्ज। इसलिए कभी कभी मेरे गुरु जी को कोई कोई गृहस्थ भक्त प्रश्न करते थे, गुरु जी आप कहते हो साधु संग करो, साधु संग करो, हैं? हम तो घर से दूर में रहते हैं, कभी एक सप्ताह में एक बार मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर में हैं? एक सप्ताह में आ जाते हैं, आप कहते मगर साधु संघ के कल्याण नहीं होता, साधु संघ करेंगे कैसे? तो गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव मैंने तुमको साधु दिया ना, बोले कौन सा साधु दिया, बोले मैंने तुमको चैतन्य भागवत नहीं दिया। इसलिए रोज सवेरे घर में बैठे करके
जब चैतन्य भागवत को पढ़ो क्या समझो, ये वृंदावन दास ठाकुर स्वयं है। ये ग्रंथ रूप में कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। मन शिक्षा को पढ़ो, जो पढ़ोगे क्या समझोगे? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। उपदेशावृत को पढ़ना बोले ये कौन है? श्री रूप गोस्वामी। शिक्षा स्टक को पढ़ना ये कौन है? महाप्रभु। मेरे गुरुदेव कहते थे घर में बैठे बैठे ग्रंथों का अध्ययन करो, जब जब फुर्सत होता है भक्तों का दर्शन करने के लिए मंदिर में आओ, कथा सुनो। अभी तो और भी साइंस एडवांस हो गया, बहुत अभी साइंस एडवांस हुआ। अभी ये सारे चीज को हमें अभी उल्टी चीज में नहीं लगा करके अभी सीधी चीज में लगा। अभी कितने गुरु जी कथा, बहुत सारी कथा है। रोज रोज कोशिश करो, सवेरे थोड़ी समय गुरु जी की सारे अंगों को जागरण करते हुए गुरु जी की आधा घंटा एक घंटा सब रोज कथा सुनो। अभी गौर गोविंद महाराज की कथा है और उसमें हमारे मंदिर में गुरु जी की कथा है, घर में बैठ करके स्वामी महाराज की कथा है, उसको बैठ कर उस समय देखो। इसलिए सब जो सवेरे का जो समय है ना, एक दो घंटा तो ऐसे निकालो, ऐसे दो घंटा ऐसे निकालो जैसे अच्छे तरह से घर में बैठ कर अच्छे तरह से उसको अच्छे तरह से उसको ये करो। अब देखना वो चार्ज हो जाएगा पूरा 24 घंटा चलेगा। सवेरे जो काम करोगे ना, सवेरे जो कथा सुनो आफ्टर ब्रेकफास्ट, सवेरे जो काम करोगे देखना वो पूरा 24 घंटा ये पूरा 24 घंटा चलेगा। फिर दूसरे दिन सवेरे क्या कर लो, फिर चार्ज करना है, फिर चार्ज करना। इसलिए बोले श्रीनन्द सुभद्राणी रथांग वाणी, इसलिए जन्मानि कर्माणि जजानि लोके है। इनका जो जन्म कर्म है इसको जब श्रवण करोगे धीरे धीरे क्या होगा, भगवत कथा सुनते सुनते ये हृदय धीरे 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 हृदय ही हमारी साफ होते जाएगी, धीरे धीरे हृदय हमारी साफ होते जाएगी है। फिर एक दिन ऐसे आएगा कि संसार का जो बंधन है एक दिन तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। फिर इसको बाद में कहते हैं कलयुग में जो सबसे बड़ा जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में सबसे जो धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का सबसे बड़ा ये युग धर्म है। इसलिए बताए हरिनाम संकीर्तन को अच्छे तरह से करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलयुग में सबसे जो बड़ा धर्म है हरिनाम संकीर्तन, ये कलयुग का सबसे ये बड़ा धर्म है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप ग्या सबे करिया निर्बंध, इहा है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोले थे। महाप्रभु बोले मैंने तुमको जो ये हरिनाम दिया है, हैं जो हरिनाम दिया है ये हरिनाम को कैसे करनी चाहिए इसको नियम पूर्वक करो, इसको ऐसे नहीं गुरुदेव से हरिनाम लेकर गए उस दिन जब किया तीसरे दिन में देखा माला जहाँ कितना लटक रहा है और माला में चूहे घोसला बना रहे हैं, इसे चूहे सुन घोसला बना रहे हैं। गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया है प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, मैंने ये तुमको हरिनाम दिया है इसको क्या करो निर्बंध करके, निर्बंध मतलब नियम। और भक्ति विनोद ठाकुर का निर्बंध मतलब होता है कम से कम 1 लाख हरिनाम करो। महाप्रभु ने बताए जो 1 लाख हरिनाम नहीं करता है उसका हाथ का पानी में दिया हुआ खाना नहीं खाता है। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा देखो अगर एक दिन में एक लाख अगर नहीं होता है 4 दिन में तो कम से कम लखपति बना, मतलब कम से कम 16 माला करो, 16 माला कम से कम करो, इससे कभी पिछड़ा तो उतरना। इसलिए कोशिश करना इससे जितना ज्यादा 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 हो सकता है उससे नीचे कभी नहीं उतरना। श्री वामन गोस्वामी महाराज जो हरिनाम देते तो वो कहते थे बोले देखो हम भक्ति कर रहे हैं वह भगवान के प्रति हमारा प्रीति है इसका प्रमाण क्या है। वो कहते थे इसका प्रमाण क्या, तुम भगवान के प्रति प्रेम है तुम्हारी प्यार है इसका प्रमाण क्या है। बोले प्रमाण है हम हर काम के लिए समय को निकाल देते हैं, जब टीवी में सीरियल आता है 3-3 घंटा बैठ जाते हैं क्यों, उसमें तुम्हारी प्रेम है, तुम्हारे उसमें प्रेम तभी तो तुम 3-3 घंटा बैठ कर देखते हो। कहीं अगर दूसरे बात हो ना यार दोस्तों साथ में बैठ जाए
पता नहीं एक एक घंटा दो दो तीन तीन घंटा कैसे निकलते हैं, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है उसमें है, क्योंकि उसमें तुम्हारी प्यार तुम्हारी प्रीति है। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज जब माला देते थे पहले बोलते थे कम से कम 16 माला तो करने का है, और कोशिश करना जैसे उससे और थोड़ी सी धीरे धीरे जैसे ऊपर कभी इसका नीचे कभी नीचे कभी मत उतरना, कभी उसके नीचे मत उतरना है, उसके नीचे मत कभी नहीं उतरनी चाहिए। इसलिए वो ऐसे कहा करते थे। इसलिए महाप्रभु बोले हरि नाम को मैंने तुमको दिया, इसको तुम नियमित पूर्वक हरि नाम को करो, जो हरि नाम को नियमित पूर्वक करो क्या होगा। इसलिए श्लोक में कहते हैं बोले एवं व्रत, ये जो हरि नाम ही तुम्हारे जीवन का व्रत होने चाहिए, हरि नाम जीवन का तुम्हारी व्रत होने चाहिए। हम कहते ना हमने इस चीज की व्रत लिया है, हमने प्रतिज्ञा लिया ये काम हम करेंगे ही, ये काम हम करेंगे ही। और कोशिश करना जो जो हरी नाम है ना, अगर सवेरे उठ करके कितने कर सकते हो आप करना, सवेरे अगर आप सही सही एक घंटा बैठो ना हरिनाम करते 16 माला तुम्हारी हो जाएगी। क्यों सवेरे आप देखना सवेरे का जो समय होता है ना मन इधर उधर नहीं भटकती, ये चीज मन इधर उधर नहीं भटकती मन में, क्योंकि सवेरे का जो समय होता है सत्व गुण शरीर में स्वाभाविक रूप में ये सत्व गुण लगता है शरीर में। इसलिए सवेरे कभी भी सूर्य उदय के बाद में नहीं सुनी चाहिए, उसको पहले उठो। इसलिए मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके आप देखना बैठ करके आप भजन करो हरि नाम करना, मन इतने लग जाएगा इतने भजन में लग जाएगा, जितने दिन होते जाएगा ना शरीर में रजोगुण आना शुरू हो जाता है, रजोगुण स्वाभाविक रूप में ये करना सो करना दिमाग इधर उधर हाँ चला माना बल्ले लगती है, लेकिन सवेरे कोई काम नहीं सवेरे। इसलिए कुछ इसलिए मंदिर में प्रभुपाद ने इतना समय मंगल आरती क्यों करते कारण यह है, उसको बाद में फिर बैठ करके फिर हरिनाम करवाते फिर हरिनाम करते बैठी करके है। इसलिए कोशिश जितना दूर हो सके कोशिश करना सब उठने से पहले उठ करके अपना माला कुछ माला को अपना कर लिया करो। एक घंटा अगर कर दोगे ना बस देखना दिन भर तुम्हारे चार्ज हो जाएगा, एक घंटा में इतने मस्ती इतने आनंद आएगा इतने तुम्हें शांति मिलेगा, आप देखना सारा दिन का जो भजन भी एक घंटा के साथ में बराबर नहीं होगा। ये हमारे गुरु जी कहते हैं एक घंटा सवेरे एकदम बैठ कर एक जगह अच्छे तरह से प्रभु का भजन में मन लगो, दिन भर का भजन भी एक घंटा के साथ बराबर नहीं होगा इतने। इसलिए हमारे जो भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो क्या करते थे, मैंने देखा भले ही जितने बजे क्यों नहीं सोए जितने बजे, हमने देखा जन्माष्टमी में भी हमने देखा गुरुदेव सोते थे 1:30 बजता था, लेकिन गुरुदेव ठीक 2:30 बजे उठ जाते एकदम 2:30-3 बजे अंदर उठ जाएंगे। और मैं गुरुदेव को कुछ दिन सेवा किया है इसलिए जब पास में सोता था देखता तो किसी को उठाए नहीं जगाए नहीं है, खुद जा करके बाथरूम में हाथ धो लेंगे मुंह धो लेंगे अपना खटिया को अगर गुरुदेव बैठ जाएंगे बैठ कर माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव बैठ बैठ करके हृदय से पुकार पुकार कर मैंने देखा हृदय से जितने जो नाम है ना ये सब संबंध नाथ हुआ करें सारे हरे कृष्ण से संबंध नाथ है, हे राधे रानी हे कृष्ण हम आपका ही सेवक है, लेकिन आपकी भजन को भूलने का वजह से हमने ये संसार में आकर के पुनः दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। हे ठाकुर जी आप कृपा करके अपना चरण की सेवा अपने चरण की हमें भक्ति दो। इसलिए गुरुदेव बैठ बैठ करके कोशिश करते थे 9 बजे से पहले जैसे 1,00,000 हरिनाम बोल जाए, 1,00,000 गुरुदेव जब तक 1,00,000 नाम पूरी नहीं करते थे गुरुदेव तब तक ये भजन नहीं करते थे, गुरुदेव भजन नहीं करते थे। इसलिए 1,00,000 करके फिर गुरुदेव भजन करते थे, इतने निष्ठा थी हरिनाम का प्रति इतने निष्ठा थी गुरुदेव की। इसलिए यहाँ पर बताए बोले एवं व्रत, इसलिए जीवन में हमारी व्रत किसी चीज की होनी चाहिए, बोले व्रत होनी चाहिए हरिनाम का प्रति हमारी व्रत होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते थे कि शयन की भोजन की बा जागरण अहर निशिंत कृष्ण बोला, सोते उठते चलते बैठते है हर समय क्या करो भगवान की नाम करो ठाकुर जी की नाम करो है। इसलिए जब दिन भर नाम करेंगे बोले इस आय ने बोले सोते समय भी भजन करो, बोले सोते समय करेंगे करके उसमें तो सो जाते हैं आप सोते समय भजन करो, हाँ जगते समय कर सकते सोते समय कैसे,
बोले जो चीज को करोगे हृदय में, जो चीज करोगे वही तुम्हारी स्वभाव में पड़ जाएगा। रात में भी स्वप्न देखोगे ना, ठाकुर को स्वप्न देखोगे, देखो दिन भर अगर तुमका नाम करते 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 अभिष्ट आकर सो जाओ ना, वही चीज रात को भी तुम्हारे दिमाग में, वही चीज तुम्हारे दिमाग में, वही चीज घूमते रहेगी। इसलिए यहाँ पर बताए एवं व्रत, जीवन का व्रत बना दो क्या, मतलब अपना जो हरे कृष्ण महामंत्र है, सो प्रिय नाम, अपना नाम को जीवन का व्रत बना दो अपना, यही हमारा जीवन का व्रत है। बोले हम दिन में काम भी करना पड़ता है, इसलिए महा भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नामाश्रय करि जतन तुमि ठाकुर, अपना काम, अपना काम करो, काम नहीं भक्त तो सेवा करते हैं, काम नहीं करते सेवा, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का नाम, हाथों में काम और मुंह में बस हो गया। अगर तुम्हें 1,00,000 नाम करने का अगर समय नहीं मिलता है, अपना संसार का काम, अपना हाथ में काम करते करते रास्ता में जा रहे हो, प्रभु का नाम जप करते करते जाओ, तब भी उसमें अगर सब समय प्रभु का नाम जप कर अगर माला में अगर 1,00,000 नहीं कर सकते हो, अगर वैसे गर्भ तो भी गिरा जाती है, वो भी काउंटिंग होती है, उसमें गुरु हमारे गुरु जी कहते वो भी काउंटिंग होती है। इसलिए हर समय क्या करो भगवान की नाम अपना व्रत ही, अपना भगवान का नाम ही जीवन का व्रत बना दो। लेकिन फिर क्या होगा, चाहता है बुरा तो यहाँ पर एक अच्छी बात होता है। अब देखना कि हम लोग बद्ध जीव है ना, हम बद्ध जीव दुनिया की कोई बात हो ना, और अगर किसकी चुगली हो फिर तो एक मुने इतने सौ मुंह हो जाता है, ये सौ मुंह हो जाता है, फिर तो पता नहीं कहां से बात आ जाती है। अरे हमने भी सुना है, इसलिए यहाँ पर बताए हम बद्ध जीव होने का नाते इस चीज में हमारी रुचि रहती, बड़ी रुचि, तो हरिनाम में रुचि नहीं होता तब क्या करनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी, एक उदाहरण देकर कहते हैं, कहते हैं ये जो मिश्री मीठा है, लेकिन ये मिश्री भी किस किस को कड़वा लगता है, बोले मिश्री किसको कड़वा लग गया, बोले किसको जंडिस का बीमारी हो जाए, पीलिया बीमारी हो जाए, देखना और जो कुछ खाए ना उसको सब कड़वा कड़वा लगता है। लेकिन पहले इतना मेडिसिन नहीं होता था, डॉक्टर बोलते देख बेटा तू मिश्री चूसना, लेकिन मिश्री तो मीठा है, लेकिन अभी तेरे को मिश्री मीठा नहीं पीना क्योंकि तुमको जंडिस का बीमारी हो गया, अभी क्या करो धीरे धीरे ये मिश्री को कड़वा लगने पर भी तो मिश्री को चूसते रहना, चूसते जब ये जंडिस बीमारी खत्म हो जाएगी फिर मिश्री मीठा लगने लग जाएगी, मिश्री तुम्हें मीठा लगने लगेगी, जब मिश्री मीठा लगने लग जाए ना समझना तुम्हारी बीमारी सही हो गया, तुम्हारी बीमारी सही हो गया, इसका ये प्रमाण है। उसी तरह ये कृष्ण नाम सबसे मीठा, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं, इसलिए बताए मधुरम मधुरम नेतत मंगलम मंगलाना सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीत श्रद्धया हलेहवा भृगुवर नर मात्र कारेत कृष्ण। कहते जो कृष्ण नाम है इससे मीठा दुनिया में कुछ ही नहीं, सबसे मीठा भगवान का नाम। इसलिए हनुमान जी को देखो एक सेकंड भी हनुमान को बर्बाद नहीं करते, दिन भर लेकर के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम जप करते दिन भर हनुमान जी हैं। इसलिए जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, और क्या करते हैं जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होगी हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए सब जगह में जाकर बैठ के कथा सुनते हैं हनुमान जी। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं तुंडे तांडव ते तुंडा बलि लब्धये, हनुमान श्री रूप गोस्वामी कहते प्रभु तेरे नाम में इतने मीठा, इतने नाम में मीठा, ये मीठा नाम करने के लिए तू एक ही जीवा क्यों दे दिया है? तुमने करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों दे नहीं दिया, ये दो कहानी क्यों दे दिया हमें, करोड़ों करोड़ काम क्यों नहीं दे दिया है? तेरे नाम में इतना मीठा है, इसलिए कहते मंगलम मंगला नाम, जितने मंगल में भी सबसे बड़ा जो मंगल है ये भगवान की नाम है। बोले सकल निगम बल्ली सत फल चित स्वरूपम, जितने वेद पुराण उपनिषद है
कहते अगर सारे ग्रंथों को अगर मंथन किया जाए, जैसे दही को मंथन करने से जैसे मक्खन निकलता है ना, कहते सारे शास्त्र को अगर हम मंथन करेंगे उसमें क्या निकलेगा, मंथन करोगे तो सार मंथन क्या निकलेगा, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का नाम ही उसमें मक्खन रूप में ठाकुर का नाम ही निकलेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब ये रामायण ग्रंथ बना अभी देवता दैत्य और इंसान में लड़ाई हुआ, ये तीनों ने बताया हमें हमें मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, सबके सब लड़ाई शुरू कर दिया, कहते हमें मिलनी चाहिए सबके सब। बोले देखो भैया ग्रंथ जिसका उसको पास में चलो। बोले किसके ग्रंथ बनाया, बोले इसका पूर्व कर्ता श्री शंकर जी, शंकर जी सबसे पहले अपना हृदय में ये रामायण को बना करके अपना हृदय में रखे, फिर उन्होंने ये वाल्मीकि जो लिखे कहते ये बाद में तुलसीदास जी लिखो बाद में, लेकिन सबसे पहले शंकर जी अपना हृदय में ये रामचरित्र को उन्होंने बना कर रखे। बोले चलो शंकर जी के पास में, कहते उसमें था है? उसमें था जो श्लोक है कहते 100,000 उसमें श्लोक था, तब जो श्लोक था तब शंकर जी के पास में गए तो बोले बैठ जाओ, मैं तीनों में लड़ाई पढ़ाई मत करो, तीनों में मैं बंटवारा करा देता हूँ। तो उन्होंने 100,000 श्लोक को बंटवाया, फिर उन्होंने 30,000 दे दिया है, कितना हजार रह जाएगा, 10,000 रह गया, 10,000 को 3,000 दे दिया, कितना रह जाएगा, 1,000 रह जाएगा, 1,000 को 300 दे दिया, कितना रह जाएगा, 100, फिर 30 दे दिया, कितना रह जाएगा, 10, फिर 3 दे दिया, कितना रह जाएगा, 1। कहते एक श्लोक में चार चरण होता है, चार चरण में एक श्लोक, तो उन्होंने चार चरण को उन्होंने एक चरण दे दिया, रह गया एक चरण। कहते एक चरण में होता है 8 अक्षर है, फिर उनको बांटे दो 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 दे दिया, कितना बच जाएगा, दो। शंकर जी ने कहा देखो हमने इतने परिश्रम किया, मुझे भी तो कुछ मिलनी चाहिए ना, हमें कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए, इसलिए ये दो अक्षर मेरे को दे दो। दो अक्षर क्या है, कृष्णा नहीं तो राम, राम नहीं तो कृष्णा, इसलिए शंकर जी अपना कंठ में इसको धारण करे। इसलिए कहते महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुकुंदी हेतु उपदेशा, इसलिए शंकर जी महामंत्र को उन्होंने अपना गले में धारण कर लिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या करनी चाहिए, अनु जिन दिन तब नाम गाय क्रमे ते कृपया तब अपराध जुग जावे नामे रुचि हवे आस्वादी पे नामा सब। देखो यही चीज को थोड़ी सी ध्यान देकर सुनो, तो भक्तमन ठाकुर इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कहते फरी है प्रपंच पढ़िया अगर की हया नादे के उपाय, ठाकुर जी हम ये माया में पड़ गए, हम अगति मतलब जहाँ जाने चाहिए नहीं जा कर हमने गलत रास्ता पर हमने चले गए, ये माया में चले गए, अभी क्या करनी चाहिए। वो बोलते हैं बोले अनु दिन जन, यही चीज को माफ करने का चीज है, यही चीज को उतारने वाले जीवन है, कहते अनु दिन जन तब नाम गाय, नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही है, पर इसके लिए करना क्या है, बोले अनुदिन जैन मतलब पहले धीरे धीरे बैठ करके ये नाम को बड़ी प्रेम पूर्वक बड़ी प्रीति पूर्वक हृदय से ये नाम को अभी तुमको करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये नाम जब करना पड़ेगा, है अच्छे नहीं लगने पर भी अच्छी बैठो, बैठ करके अपना हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब ये नाम को आदर पूर्वक करो, करते 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 क्या होगा, हमारी जो अनर्थ है जो अविद्या जो अपराध है धीरे धीरे खत्म हो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जितने परिमाण में ये खत्म होती जाएगा ना उतना परिमाण में नाम में तुम्हारी आस्वादन लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारी अपराध दूर हो रहे अनर्थ दूर हो रहे, फिर भगवान के नाम का प्रति धीरे 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 तुम्हारी अनुराग आने लग जाएगा, धीरे धीरे अनुराग, जब ठाकुर का नाम है अनुराग फिर क्या होगा, द्रुत चीत उच्च। अभी जैसे हरिनाम लेने पर क्या होता है, मन में आनंद नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, लेकिन जब धीरे धीरे करने लग जाओगे तुम्हारे हृदय
धीरे धीरे द्रवीभूत होने लग जाएगा, फिर नाम लेते ही आंखों से आंसू बहने लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते ना, नयनम गलद सुधारया, बदनम गदगद रुद्धाय गिरा, पुलक निचितम बकु कदा तब नाम ग्रहण कर सके। महाप्रभु कहते प्रभु कब ऐसे दिन आएगा जब तेरे नाम ले हृदय गदगद हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए। जितने भगवान की अनर्थ दूर होगा, ये सब चीज अपने आप धीरे धीरे हृदय में, ये सब धीरे धीरे हृदय में प्रकाश होने लग जाएगा। फिर कहते द्रुत चीत उच्च हृदय, नाम लेते ही हृदय मेरे पिघल लग जाए। इसलिए श्री गौरव गोविंद महाराज कभी कभी कहते थे, एक नाम लेते ही सारा शरीर हिल जाना चाहिए। वो कहते थे, वो एक नाम लेते ही शरीर तुम्हारी कंप, हृदय हिल जानी चाहिए। एक नाम ग्रहण करते श्री गौरव गोविंद महाराज कहा करते थे, हिल जानी चाहिए। कहते थे तब तुम्हारे हृदय में आनंद आने लग जाएगा, धीरे धीरे नाम का प्रति रुचि आने लग जाएगी, भगवान के नाम अच्छी आने लग जाएगी। कभी तो होता है जब माला लेकर बैठते है ना, हमारे भक्त वेदांत श्री पावन गोस्वामी महाराज है, पावन गोस्वामी महाराज हमारे महाराज कहा करते थे, अगर कोई वो सेवा हरिनाम करते है ना, जब तक उसको पूरी नहीं कर लेते हैं, जब तक उसको पूरी नहीं कर लेते हैं ना, तब तक प्रसाद नहीं पाते कभी नहीं। पहले सेवा, पहले हरि नाम पूरी हो, उसके बाद में हम जा करके कोई चीज को हम ग्रहण करें, कोई चीज को हम ग्रहण करें। इसलिए जीवन में कुछ चीज निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे नहीं खाना आया अभी सवेरे सवेरे उठे मुंह हाथ धोए तो फटाफट खाने लग गए, नहीं नहीं करनी चाहिए, ये अपराध है। इसलिए गुरु जी जब हरिनाम दिए हैं, भोजन करने से पहले कुछ माला पूरी करो, ऐसे प्रसाद ठंडा हो जाएगा, अपना भजन भी लग गया। और पहले भोजन करना नहीं, पहले भजन उसके बाद में भोजन, भजन करे भोजन होने चाहिए, भोजन भजन नहीं, भजन भजन होने चाहिए। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु जो प्रसाद देने के लिए आए, हरिदास ठाकुर प्रसाद स्वीकार नहीं किया, बोले प्रभु अभी मेरे नाम संख्या पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो 3 लाख हरिनाम नहीं करते थे ना, 3 लाख हरिनाम नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, 3 लाख पूरा रात भर दिन भर पूरी करके 3 लाख हरिनाम करते थे, फिर जाकर के वो भजन करते थे हैं। लेकिन कम से कम थोड़ी तो माला करे, कुछ तो माला करके भजन करे, ऐसे नहीं रात 1 बजे 2 बजे टीवी देखो, मूवी देखो और सो जाओ, सवेरे 9 बजे 10 बजे तो किसी तरह कम्बल धोकर के खा कर अपने सर जाने, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते द्रुत चीत उच्च हृदय, तुम्हारी हृदय नाम लेते ही तुम्हारे हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा। लेकिन जब द्रवीभूत होगा फिर इसका फल क्या है, बोले हसत त्यता, फिर वो हंसने लग जाते, बोले पागल क्या है हंसने लग जाते, बोले नहीं उसका हृदय में टीवी में जैसे जैसे टीवी में जैसे सीरियल आती है, सीरियल जैसे टीवी में आती है, उसका हृदय में भी कृष्ण लीला की सीरियल प्रकट होने लग जाते हैं, भगवान की मधुर मधुर लीला देखने लग जाते हैं, ठाकुर जी की प्यारी प्यारी लीला दर्शन होता है, इसलिए वो हंसने लग जाते हैं, हंसने लग जाते। तब उन्होंने कथा सुनाए, हंसता है क्यों, तब उन्होंने देखा एक दिन कृष्ण किसी गोपी घर में मक्खन चोरी करने आए, वो गोपी सोच रही है कृष्ण बड़े नटखट है, बड़े भाग्य से तो कृष्ण आते हैं लेकिन झट मक्खन चोरी करके चले जाते हैं, दर्शन तो होता है लेकिन जी भर कर हम नहीं देख पाते, हम चाहते हैं कृष्ण को थोड़ी जी भर करके कृष्ण को देखे, थोड़ी उनको स्पर्श करे कृष्ण को, हैं कृष्ण मक्खन चोरी करने आते हैं क्यों, इसलिए आते हैं ये बड़े प्रेम से प्यार से गोपियों ने अपना घर में मक्खन बना दिए हैं और कृष्ण को बुलाते हैं आओ मेरी, हैं कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण मेरे घर में आओ, आ करके मक्खन खाओ, तेरे लिए हमने मक्खन बना करके रखे। इसलिए उसमें कहते हैं ना, आओ मेरी सखिया नहीं आज मेरे कंगना में, आयो नंदलाल आयो गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम, कोरी कोरी मटकी में भूली भली गई नकी, तेरे लिए दही करी राखी नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया।
अब गोपी ने देखा मेरे कन्हैया तो आते हैं लेकिन एक झलक पर भाग जाते हैं। आज चरणों को पकड़ोगी, कृष्ण कितने कोमल है, आज कृष्ण कितने कोमल है, फिर घर में बांध कर रखोगी तो फिर तो जी भर कर थोड़ा देखोगी कृष्ण को थोड़ी सी। इसलिए बोले आज कन्हैया को बांध कर रखेंगे और दर्शन करूंगी। कृष्ण इधर उधर देखे कोई है कि नहीं देखा, लेकिन वो पहले से कोड़े में बैठी हुई मक्खन कृष्ण के लिए रख करके, कृष्ण बिल्ली जैसे छुप छुप करके आए और मक्खन खाने लगी। गोपी कुछ बोली नहीं, बोले क्यों, मक्खन तो उन्हीं के लिए बनाया है, उन्हीं के लिए तो बनाया है। बोले कृष्ण खा ले फिर मैं पकड़ूंगी। कृष्ण जब खा लिए झट पकड़ लिए, बोले आज कहाँ जाओगे, आज घर में तेरे को बांध करके रखोगी। बोले गोपी छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा, मैं तो सोच रहा था अपना घर में खा रहा था। बोले अपना घर में खा रहा था है, अभी तेरे को मजा चखाती, चल तेरे को आज बांध करके रखूंगी। कृष्ण को लेकर गए, मेरे खंभे पे हाथ रख, कृष्ण खंभे में हाथ रखे, उसने अपना छोटी से जो रिबन है ना फीता को निकाले, निकाल कर कृष्ण को जो बांधने के लिए जाए, लेकिन भगवान का हाथ तो बड़े कोमल है, मक्खन से भी कोमल, वो बांधने में नहीं आए, खिसक जाए है, वो खिसक जाए। इतने में कृष्ण कहते हैं गोपी तुमने कभी बंधी गई कि नहीं, बोले नहीं। बोले जब तक तो स्वयं बंधी नहीं जाओगी फिर दूसरे को कैसे बांधोगे, पहले तो सीखना पड़ेगा ना। बोले कन्हैया तेरे क्या बांधना आता है, बोले और क्या, मैं बहुत अच्छे बांधना जानता हूँ, बोले थोड़ी सिखा दे। बोले अभी तेरे को सिखाता हूँ, मैं तो अच्छे तरह से सिखाने वाले हूँ। जब खंबे के ऊपर रखे, मैंने एक बार लपेटे, दो बार लपेटे, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांधे। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, मैं तो अपना प्रेम में बड़े बड़े योगियों को ज्ञानियों को है सबको अपना प्रेम में मैं बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं अभी किसको खोलना सिखाया, सबको अभी तक तो मैंने बांधना ही सीखा, कभी खोलना सीखा ही नहीं, बस कृष्ण अंगूठा दिखाए ना तो प्यार हो गए। इसलिए कहते भैया क्यों हंसते हैं, बोले कारण है इसी हरि नाम ग्रहण करते करते, ये नाम जप करते 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 हृदय से अपने आप ये लीला धीरे धीरे हृदय में प्रकट होने लग जाती है, इसलिए उसी में ही डूबे रह जाते हैं उसी में। इसलिए कोई तो कहते ना भैया हमारे बीवी बच्चे संसार दुनियादार उसमें मन हम लगा देते हैं, ये बाबा को पास में कहो माला ही है, दिन भर क्या कितना बार हरे कृष्ण करते रहते हैं है? इसमें क्या है, सारा दिन ये माला को कह करके अपना जीवन कैसे बिता देते, अकेले अकेले इनको बोर नहीं लगता है, इनको बोर नहीं लगता है। यदि ये अपरा करते दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते उसने ही जीवन को बिताते। इसलिए बोलते हंसत व्यथा, वो कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं। बोले क्यों रोते हैं, जब हृदय से वो लीला अंतर ध्यान हो जाता है, बिना दुखी होकर रोने लग जाते हैं। नाचते हैं, बोले नाचते हैं क्यों, बोले कृष्ण बिना में जब तड़फड़ाने लगते हैं, भगवान देखते ही तो प्राण छूट जाएगी, फिर भगवान उसको दर्शन दे देते हैं, फिर नाचने लग जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण लीला में डूब करके संपूर्ण दुनिया को भूल करके पागल बन करके वृंदावन में डोलो श्री राधे राधे। इसलिए पागल होकर के संपूर्ण कृष्ण भक्ति में सराबर हो जाते। इसलिए कैसे होते हैं, केवल ये हरिनाम को पाना, केवल इसी हरिनाम से ही जीव को सब कुछ मिलता है। इसलिए अब भीष्म पंचकम है, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना पूरा नाम में डूब जाने के लिए, पूरा कोशिश करना संख्या पूर्वक नाम करने के लिए, ठीक है। इतना नाम पांच दिन में, कम से कम पांच दिन तो अच्छे तरह से भजन करे विश्व पंचम, ठीक है। निताय गौर प्रमाणते हरि हरि बोल हरे कृष्ण। अभी हम जाएंगे सूर्याल को बैठेंगे। If person not only here in Harikatha, we have so much Harikatha, like 1 hour a day, but the same time he will have with Arhi. Arhiv, we have Shiva Gurudev's Arhiv in Hindi. Audio Shiva, Audio Shiva. Yes, double. ये बता रहे हैं, अभी गुरुदेव का अड्य सेवा है, अड्य सेवा में उसमें गुरुदेव, अभी गुरुदेव का जो आएगा 100 साल पूर्ति में, उसमें जो अचिंत प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु बच्चे, तो वो सेवा कर रहे हैं।
इसलिए उसमें गुरुदेव का जितने लेक्चर खोजने के तरीके इकट्ठे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव का सारे लेक्चर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषा में ये कह रहे हैं एक साथ दोनों काम हो जाएगा, गुरुदेव की कथा भी सुनना हो जाएगा और उसको जो कैसेट रूप में सीरियल रूप में करके एक एक कथा गुरुदेव बारम्बार बोले उसको नहीं करके जो एक ही जो उनकी कथा है वो कथा को एकत्रित करके उसको निकालना चाहते हैं। ये कह रही है दोनों काम एक साथ हो जाएगी, कथा सुनना हो जाएगा और गुरुदेव का सेवा भी हो जाएगी। इसलिए अब हो सके तो आप लोग कोशिश करना, आप लोग कोशिश करना ये चीज़ को हाँ ये बहुत इसलिए आप लोग कोशिश करना ये सेवा करने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं ना अच्छी बात। इसलिए आप लोग भी कोई कर सकते हो करना सेवा को, और इनके जो बेटा है ना ये सुंदर गोपा ये सेवा को ये कर रहे हैं आगे भी कर रहे हरे कृष्ण बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Thank you.